और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर शारजाह स्टेट को छिपाने का आरोप लगाया। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, बहनों के साथ दुराचार किया गया है और ममता सरकार गुंडों को आश्रय दे रही है। जो हमारी बहनें पश्चिम बंगाल में हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया है, जो जनजातीय समुदाय से आती हैं और टीएमसी के गुंडे दिन दहाड़े शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहनों का, और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं, उनके लबों पर टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है, बहुत ही चिंताजनक है। जब ईडी अफसर गए थे तो अराजक तत्व जो थे, टीएमसी से जिनके तार जुड़े थे, उन्होंने हमला किया था। अब एनसीडब्ल्यू की टीम वहां जाती है और उनको भी अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि शर्मसार करने वाला है। जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इस वक्त बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के दौरे से पहले धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सुकांत मजुमदार बसीरहाट के जिस होटल में रुके हैं वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये वहां बंगाल पुलिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश ये है बंगाल पुलिस की कि सुकांत मजुमदार यहां तक पहुंच न पाए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा और महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देर रात बशीरहाट एसपी दफ्तर के बाहर धरना दिया और इस दौरान पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने सुकांत मजुमदार समेत बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया, जिसके बाद सुकांत मजुमदार ने पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी और अभद्रता करने का आरोप लगाया और पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की भी बात कही। पुलिस जोर जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे भी उठा के वहाँ से लेके आई है, और जिस तरीके से हमारे महिला कार्यकर्ताओं को वहाँ से उठाया गया, जैसे भेड़ बकरियों को कसाई खाने में जैसे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे उठा के लेके गए। प्रेसिडेंट फाल्गुनी पात्रा, उनके साथ भी हाथापाई किया गया और पुलिस की एक्टिविटी बहुत ही खराब है। कृष्णेंदु मुखर्जी को हाथ पकड़ के खींचते खींचते लाया गया। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस से झड़प की। ये पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है सुकांत मजुमदार यहाँ पर है और उनके साथ ये झड़प होती है, फिर हिरासत में कुछ लोगों को लिया जाता है, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस पर भी बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर लगाया गया कि महिलाओं के साथ वहां पर बदसलूकी की गई, बर्बरता की गई, और इसे लेकर सुकांत मजुमदार ने कोर्ट तक जाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल की बसीरहाट पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा वो हम आपको बड़ी बातें बताते हैं। चोरों की तरफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमारे बंगाल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आधी रात में बसीरहाट से जबरदस्ती हटा दिया, जहां वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाओं सहित हमारे कई कार्यकर्ता गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, उन्हें टांके लगे हैं, कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ममता बनर्जी अब सीरियल रेपिस्ट शाहजहां शेख का बचाव नहीं कर सकती है। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं को निराश नहीं करेंगे। ये अमित मालवीय का ट्वीट है। बड़ी बातें हैं।
और इससे पहले पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच हाथापाई भी हुई। प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाएं भी पुलिस वालों से भिड़ गईं। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये तीन तस्वीरें उससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलने तक बीजेपी का यह आंदोलन जारी रहेगा। लोग का आदत ही है, हमारे एजिटेशन चलेगा और मेरा साथ, पार्टी का प्रेसिडेंट का साथ और वहाँ का जो प्रभारी कृष्णेंदु जी का साथ, थोड़ी देर पहले बात भी हो, हम लोग का एजिटेशन पूरा प्रदेश में चल रहा है। डे आफ्टर टुमारो हर एसपी ऑफिस में और कमिश्नरेट एरिया में, डीसी ऑफिस में बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगा और हमारी बीजेपी एमएलए लोग फिर ट्राई करेगा संदेश खाली जाने के लिए। 144 नहीं है, रुकावट डालने का कोई मौका नहीं है। तो वहीं संदेश खाली हिंसा और यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग इस वक्त जारी है। बीजेपी जहां ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। महिला, घर का बेटी, घर का बहन, घर की माँ, अगर उनको घसीट कर टीएमसी ऑफिस में आप लेके जा रहे है जिहादी लोग, और वहां पर उनका बलात्कार, उनका धर्षण किया जा रहा है, उनका मोलेस्टेशन किया जा रहा है, एक रात नहीं, रात के ऊपर रात, तो आप क्या करेंगे? आप अगर गोली भी मार देंगे ना, तो अब बंगाल के महिला लोग अब रुक कर खड़े हो गया है। अब भी अन्याय ये सहन नहीं होता है, अब भी अत्याचार सहन नहीं होता है। ममता बनर्जी गोली मार दे, लेकिन ये आंदोलन चलेगा। अभी संदेश खाली का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और पीसफुल है। भाजपा और सीपीएम ये संदेश खाली को लेकर अभी गुंडागर्दी करने के लिए राजपथ में उतरा है, पुलिस को अटैक कर रहा है, स्टोन थ्रोइंग्स चल रहा है। वो लोग अभी नई तरह से वो प्रोवोकेशन दे रहा है, प्रोवोक कर रहा है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।